ये क्रिकेट हिंदुस्तान की तस्वीर नहीं है। यदि तस्वीर है तो इस महारानी लक्ष्मीबाई की तस्वीर हिंदुस्तान की तस्वीर होनी चाहिए। जो लोग गम में डूबे हुए छातियां पीट रहे हैं कि क्रिकेट का मैच क्यों हार गए, क्रिकेट के मैच इस मुल्क में दुर्भाग्य यह है, हमने खेलों को युद्ध बना दिया और युद्धों को खेल समझ लिया इस मुल्क ने, तो हम तबाही के कगार पर चले आए हैं। मैंने कहा मुझे बगावत की तालियां चाहिए, प्रशंसा की तालियां विनीत चौहान नहीं चाहता। पूरी घाटी तो दहल चुकी है, मेरे साथ हो जाए, मुझे लगना चाहिए मैं अपनी जमीन पर खड़ा हूं। पूरी घाटी तो दहल चुकी है आतंकी अंगारों से, कश्मीर में आग लगी है पाकिस्तानी नारों से, चांद सितारे वाले झंडे घाटी में लहराते हैं और हमारे शीश शर्म से रोज रोज झुक जाते हैं। अब आपको लगे मैं ठीक बोल रहा हूं तो मेरा साथ दीजिएगा, और हमारे शीश शर्म से रोज रोज झुक जाते हैं, बहुत हो चुका मोदी जी, ये शांति वार्ता बंद करो, उग्रवाद से कश्मीर की घाटी को स्वच्छंद करो, वो झांकेगा लाल चौक तक, तुम इस्लामाबाद चलो, वो देखेगा कश्मीर तक तुम पिंडी प्रस्थान करो, वो देखेगा कश्मीर तक तुम पिंडी प्रस्थान करो, वो देखेगा कश्मीर तक तुम पिंडी प्रस्थान करो, वो देखेगा कश्मीर तक तुम पिंडी प्रस्थान करो। पूरी दुनिया से कह दो मेरी बात ठीक लगे तो आपकी तालियां मोदी जी तक पहुंचे, हम ये चाहते हैं अब उनसे। पूरी दुनिया से कह दो ये शांति मंत्र अब खलते हैं, मेरा साथ दे दो फिर 100% दे। मैं कई बार कहता हूं राजस्थान यूनिवर्सिटी का एक गोल्ड मेडल मेरे हिस्से में आता है, या तो मुझे आपकी हूटिंग चाहिए या इन ध्वजों की किनारों तक उठती हुई आपकी तालियां चाहिए। पूरी दुनिया से कह दो, मैं मोदी जी से एक ही बात कहना चाहता हूं, पूरी दुनिया से कह दो ये शांति मंत्र अब खलते हैं, रोज सैनिकों की लाशों से जिगर हमारे जलते हैं, अब घाटी के गद्दारों को थोड़ा सा तो झटका दो, जो सेना पर पत्थर फेंके लाल किले पर लटका दो, जो सेना पर पत्थर फेंके लाल किले पर लटका दो, जो सेना पर पत्थर फेंके लाल किले पर लटका दो। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, जो सेना पर पत्थर फेंके लाल किले पर लटका दो, इतना खून नहीं छिड़को कि मौसम फागी हो जाए। मैं इशारा कर रहा हूं, कितने लोग समझेंगे मुझे पता नहीं है। वाह 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 वाह, ये मुल्क की सेना पर जो गालों पर चांटे पड़ने लगे हैं ना, इसका परिणाम भी हो सकता है। मैंने कहा मैं बगावत का कवि हूं, एक लाइन में मुझे समझ के बताना, मैं बोल के बता रहा हूं, इतना खून नहीं छिड़को कि मौसम फागी हो जाए, और सेना को इतना मत रोको सैनिक बागी हो जाए, सेना को इतना मत रोको सैनिक बागी हो जाए, इनको खुली छूट दे दो, इनको जो मिल चुकी है इस समय शायद मेरी इस कविता का असर रहा होगा, इनको खुली छूट दे दो कि दुश्मन को खंजर घोंपे और पड़ोसी की झोली में गद्दारों के सिर सौंपे, और पड़ोसी की झोली में गद्दारों को सिर सौंपे, तब ही जाकर ठंडा होगा। अब मेरी आवाज तेज होती है कि तालियां तेज होती है, मुझे बताइएगा, तब ही जाकर ठंडा होगा झेलम का रक्तिम पानी, और पड़ोसी याद रखेगा ये थप्पड़ हिंदुस्तानी, और पड़ोसी याद रखेगा ये थप्पड़ हिंदुस्तानी, और पड़ोसी याद रखेगा ये थप्पड़ हिंदुस्तानी। बिल्कुल ताजा लाइन है, भाई साहब से भी अनुमति चाहता हूं, तुम ही याद रखो, तुम ही भारत की एकमात्र अभिलाषा हो। मैं बहुत सम्मान के साथ दो पंक्ति मोदी जी तक पहुंचाना चाहता हूं, याद रखो तुम भारत मां की एकमात्र अभिलाषा हो, टूट चुके इस जनगण मन की तुम ही अंतिम भाषा हो, तुम भी अगर नहीं बोले तो कौन घाव सहलाएगा, अश्रुभाती भारत मां को कौन धीर धरदाएगा, अश्रुभाती भारत मां को कौन धीर दहाएगा, उठो नए हनुमान तुम्ही को नव सागर को लंघना है, लंका में जो सिया कैद उसके कष्टों को हरना है, ये बजरंगी जोश तुम्हारा तनिक ठंड ना पड़ जाए, उम्मीदों का ज्वार जगा जो कहीं शांत ना पड़ जाए, लंक दहन की आखिर में बढ़ती उम्मीद तुम्ही तो हो, हर आतंकी बकरे की बस बकरा ही तुम्ही तो हो, हर आतंकी बकरे की बकरा ही तुम ही तो हो। मोदी जी इन गद्दारों का अब तो काम, तब अगली लाइन मुझे सूचना दें, शायद भविष्य हो, मोदी जी इन गद्दारों का अब तो काम तमाम करो, कश्मीर को नहीं कराची को भारत के नाम करो, कश्मीर को नहीं कराची को भारत के नाम करो, कश्मीर को नहीं कराची। हमारे दोस्तों ने कहा प्रमाण मांगे जा रहे हैं, मान्य फर्जीवाल जी ने और दिग्विजय सिंह जी ने प्रमाण मांगे कि सर ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई कि नहीं हुई। उन्होंने कहा हमने भी करी थी। मैंने कहा तुम्हें खुद नहीं पता लगा कि तुमने सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, हमने पड़ोसी मुल्कों तक को बता दिया कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, फिर भी दो तीन लोग निकले, आस्तीन में बैठे ही रहते हैं कोई ना कोई, कहा प्रमाण लाओ इस बात के। तो मैंने पवार जी से कहा कि आप मोदी जी से मिलते रहते हो, मेरी सलाह पहुंचाना उनको। आदरणीय पवैया जी बैठे हैं, मैं इलाज सौंप के जा रहा हूं,
अब किन फर्जी, जब हमारी सेना सर्जिकल स्ट्राइक करने जाए और जो हेलीकॉप्टर लेके जाए उसके आगे इन दोनों फर्जीवाल जी और दिग्विजयवाल जी को लटका दो और कहने लगा आप देखते रहो, उसके बाद जितने छह दिन में हो वो छह दो के प्रमाण के घर वालों को लौटा दो। मैं गुस्से में बोलना चाहता हूं आपकी तालियों के बीच, माननीय फर्जीवाल जी, हमने आपके पिताजी के डीएनए के प्रमाण पत्र कभी नहीं पूछे कि आप किस पिताजी की संतान है। कई चीजों के प्रमाण नहीं होते हैं सर, केवल आस्थाओं के सवाल होते हैं। हमारी माता ने जिस तरफ इशारा कर दिया ये तुम्हारे पिताश्री हैं, हमने बिना किसी विवाद के उनके चरण स्पर्श करके मान लिया कि मेरे पिताश्री रहे होंगे। और जिन लोगों ने भारत माता की परिक्रमा कर दी, इन निकम्मों ने, उनसे प्रमाण मांग लिए। मेरा दोस्त है कैप्टन जगविंदर सिंह, उसने रोते हुए, मैं अभी लद्दाख के अंदर था, -15 डिग्री के अंदर मैंने सैनिकों को पिछले 15 दिन पहले कविताएं सुनाई हैं। वो राइफल पकड़े हुए थे तो उस पर बर्फ जमी हुई थी। मैं चाहता हूं उनकी पीड़ाओं की गर्मी को आप तालियों से पिघलाएं। उसने कहा विनीत हमसे प्रमाण मांगे जाते हैं, रोते हुए उसने एक शेर लिखा, मेरे पैर के छालो लहू उगलो। मैं मंच का ध्यान चाहता हूं, कविता सो रही है मेरे पीछे, मैं उसे जागृत कर रहा हूं। मेरे पैर के छालों, मैं धीरे बोल रहा हूं, समझे सैनिक को दर्द कितना हो रहा है जब कहते प्रमाण लाओ। मेरे पैर के छालो लहू उगलो, कुछ सरफिरे मेरे सफर के निशान मांगेंगे, कुछ सरफिरे मेरे सफर के निशान मांगेंगे। बहुत अच्छे, अजीब देश है ये, अजीब देश है ये। नए नए शब्द गढ़ दिए, असहिष्णु हो चले हैं हम, असहिष्णुताएं बढ़ रही हैं, इंटॉलरेंस बढ़ रही है। साले अंग्रेजी के शब्द भी ऐसे ढूंढ के लाए, मुंह को लकवा मारने का डर लगता है। हम असहिष्णु हैं, हम चींटियों तक को आटा डालते हैं, परिंदों को कुंडों में पानी भरते हैं। यदि हम असहिष्णु हैं तो वो बेटी पाकिस्तान छोड़कर बाघा बॉर्डर पर सबसे पहले इस मिट्टी को सलाम नहीं कर रही होती जो भारत की सीमाओं में घुस करके आई थी। यदि हम असहिष्णु हैं तो दुनिया का कोई कंट्री फिर सहिष्णु हो नहीं सकता। सही बात। लेकिन सर ये बात मैंने और आपने नहीं कही थी, ये बात जिन दो निकम्मे फिल्म स्टारों ने कही है, मैं जानबूझकर उनके नाम नहीं ले रहा हूं, वरना उनका कद बड़ा हो जाएगा, मेरी कविता का कद छोटा हो जाएगा। समझ के बताइए मैं बोल कहां रहा हूं। 5-स्टार होटलों की 24वीं मंजिल पर बैठकर दारू की बोतलें हाथ में लेकर क्रिकेट की कमेंट्री देखते हुए अपनी महबूबा की गोद में बालों में उंगलियां फिराते हुए कहते हैं डार्लिंग डर लगता है, दम घुटता है इस देश में। मैं निकम्मों से पूछना चाहता हूं, क्या उस वीर सैनिक हनुमंत थप्पा का 35 फुट बर्फ के नीचे दम नहीं घुटा होगा जो 6 दिन तक जिंदा रहा? तुम्हारा दम घुटता है इस देश के अंदर, वो 6 दिन तक जिंदा रहा। उसे कभी नहीं कहा मेरा दम घुटता है, उसे कभी नहीं कहा मैं मरना चाहता हूं, उसे कहा मैं इस देश के लिए जीना चाहता हूं। लोगों ने कहा कि वो 6 दिन तक जिंदा क्यों रहा? पुरोहित जी मेरा सवाल है, वो एक दिन में मर कैसे गया? 6 दिन तक 35 फुट बर्फ के नीचे जिंदा रहा, विश्व का विज्ञान रिसर्च कर रहा है हनुमंत थप्पा के ऊपर, विनीत चौहान रिसर्च कर रहा है। 24 घंटे के लिए उसे दिल्ली मिलिट्री हॉस्पिटल में लाया गया, 24 घंटे में उस बेटे ने दम तोड़ दिया। जबकि मोदी जी ने कहा कि यह सैनिक बचना चाहिए, यह अद्भुत धरोहर है इस देश की, सारी दवाएं दी जा रही थी उसे। मैं इशारा भर कर रहा हूं, उसी समय कुछ निकम्मे जेएनयू के अंदर भारत मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, कुछ निकम्मे कश्मीर में तिरंगा फाड़ने की तैयारी कर रहे थे। मेरे पास आज की रात इससे अच्छी लाइन नहीं है सर, मैं 2 लाइन हनुमंत थप्पा को प्रणाम करते हुए सौंपना चाहता हूं। आकाश में कहीं उसकी आत्मा हो उसे आश्वस्त कीजिएगा, होंगे कुछ कुरुवंशी लोग, लेकिन लक्ष्मीबाई बलिदान मेले में कुछ देशभक्त लोग बैठे हैं जो उसे याद कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूं वो बर्फ की घाटी में आंसू बो गया होगा। हरिओमदा, मेरे पास इससे अच्छी लाइन नहीं है, मैं आपके चरणों में सौंप दूं। जो कविता सुनते हैं, मुझे 18 साल से सुनते हैं, मैं शुद्ध कविता बोल रहा हूं, वो बर्फ की घाटी में आंसू बो गया होगा, सितारा टूट कर अंबर में कब का खो गया होगा। ग्वालियर वालों मुझे निराश मत करना, मैं 2 लाइन में बता रहा हूं वो बेटा मरा क्यों होगा। वो बर्फ की घाटी में आंसू बो गया होगा, सितारा टूट कर अंबर में कब का खो गया होगा। वो जीना चाहता होगा अभी भी देश की खातिर, मगर गद्दारों को देखा तो फिर से सो गया होगा, मगर गद्दारों को देखा तो फिर से सो गया होगा, मगर गद्दारों को देखा तो। मैंने हरिओम पवार जी को खड़ा कर दिया है तो मेरी पद्मश्री पूरी हो जाती है आज की रात। देश के सबसे बड़े कवि ने यदि मुझे माला पहना दी है, मुझे अब किसी और यश भारती की आवश्यकताएं नहीं है। मैं आज की शाम धन्य समझता हूं आज के इस कवि सम्मेलन की। अजीब देश है, तरह तरह की वाक्य बोले गए, तो पड़ोसी मुल्क के छोटे छोटे बच्चे हमसे कहने लग गए हमें इंच इंच कश्मीर चाहिए। मैंने प्रवीण शुक्ल से पूछा ये आवाज किसने लगाई पाकिस्तान में, कहना बिलावल भुट्टो ने। मैं कहा फिर डरने की जरूरत नहीं है, एक पप्पू हमारे पास है, एक पप्पू उनके पास में है, मुकाबला बराबर का है। जिनके समझ में नहीं है वो पड़ोसी से पूछो ताली बज क्यों रही है।
लगता है नादान पड़ोसी दोहराएगा पापों को, शुरू कर दीजिए विनीत चौहान, अभी मूड में आया नहीं है। लगता है नादान पड़ोसी दोहराएगा पापों को, एक सबक सिखलाया था पहले भी इसके बापों को, इंच इंच कश्मीर भला भारत से लड़कर ले लोगे, अब एक बार लहरा दीजिए ताले में अगली लाइन बोल दू तो, इंच इंच कश्मीर भला भारत से लड़कर ले लोगे, इस कश्मीर के चक्कर में लाहौर कराची दे दोगे, इस कश्मीर के चक्कर में लाहौर कराची दे दोगे, इस कश्मीर के चक्कर में लाहौर कराची दे दोगे, तुम पहले जाकर पूछो तो अपने दादा नानाओं से, ठीक लगे तो मेरा मन बना दीजिएगा, तुम पहले जाकर पूछो तो अपने दादा नानाओं से, वो भीख जान की मांग गए हिंदुस्तानी सेनाओं से, वो भीख जान की मांग गए हिंदुस्तानी सेनाओं से, तब 1,00,000 सेना ने खुद चरणों में आयुध डाल दिए। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड आपके पुरखों के नाम दर्ज है, गिनीज बुक के अंदर यह दर्ज है, किसी कंट्री के पास 93,000 सैनिक थे, शस्त्र सहित थे, और भारत के एक जनरल अरोड़ा के पैरों की जूतियां चाटने लग गए हों, ऐसी कायर फौज केवल पाकिस्तान के पास में है। और वो कहता है कि मुझे इंच इंच कश्मीर चाहिए, तब 1,00,000 सेना ने खुद चरणों में आयुध डाल दिए, ये अलग बात, तब से हमने सीमा पर विषधर पाल लिए, कश्मीर देश का मस्तक है, तिरछी इसकी पेशानी है। मैं एक लाइन के अंदर बुलावल की नींद भगा रहा हूं, उसकी गर्लफ्रेंड का नाम भर ले रहा हूं समझना, मैं कश्मीर देश का मस्तक है, वो सो रहा हो तो एक बार जग जाए आपकी तालियां सुन करके, कश्मीर देश का मस्तक है, तिरछी इसकी पेशानी है, ये रणचंडी माँ दुर्गा है मत समझ हिना रब्बानी है, ये रणचंडी माँ दुर्गा है मत समझ हिना रब्बानी है, ये रणचंडी माँ दुर्गा है मत समझ हिना रब्बानी है, ये सोच खून का रिश्ता है, अगली लाइन में स्पिन बॉलिंग कर रहा हूं, ये सोच खून का रिश्ता है, हर गलती को सह लेते हैं, तुम चचा जान के पोते हो सो माफ तुम्हें कर देते हैं, तुम चचा जान के पोते हो सो माफ तुम्हें कर देते हैं, वरना जिस दिन हम चाहेंगे ये गर्व गुमान नहीं होगा। अब एक भी हाथ खामोश ना रहे, ये लाइन विनीत चौहान की नहीं है, माफ करे लाइन राजनीति की भी नहीं है, जिस दिन ये लाइन सच होगी, सेना की बंदूक की नाल के भरोसे सच होगी, आपको अपने सैनिकों पर भरोसा हो तो इस लाइन पर एक एक श्रोता हाथ खड़े करके ताली बजा के मुझे बता देगा हम सैनिकों पर भरोसा करते हैं, वरना जिस दिन हम चाहेंगे ये गर्व गुमान नहीं होगा, सेना ने जिस दिन ठान लिया ये पाकिस्तान नहीं होगा, सेना ने जिस दिन ठान लिया ये पाकिस्तान नहीं होगा, सेना ने जिस दिन ठान लिया ये पाकिस्तान नहीं होगा। मैं जिस क्योंकि मेरा मानना यह है सर, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मेरा मानना यह है ये धरती तात्या टोपे के शीश दान की है, वाह वाह, दो लाइन पढ़ रहा हूं मैं, लाज रखना बुंदेल वालों, ये धरती तात्या टोपे के शीश दान की है, ये धरती झलकारी के मान प्राण दान की है, और अगली लाइन आपकी मिट्टी के आपको सौंपता हूं, कितना मान रखते आप पे सौंपता हूं, ये धरती तात्या टोपे के शीश दान की है, ये धरती झलकारी के प्राण दान की है, और बुंदेली पौरुष अंग्रेजों के सम्मुख झुका नहीं कभी, यह धरती झांसी रानी के स्वाभिमान की है, यह धरती झांसी रानी के स्वाभिमान की है, झांसी रानी के स्वाभिमान की है। विनीत भाई बहुत अच्छे, वाह वाह, आज मेरे जितने भी कवि आए, रुचि उस समय रो रही थी जब वो उस दृश्य देख रही थी, मेरे सुदीप की आंखों में आंसू थे, कहले भाई साहब मेरी समझ में ये नहीं आया, झांसी की रैन जब यहां आ गई थी, ग्वालियर नरेश यहां पर थे, सेना यहां पर थी, फिर महारानी के प्राण क्यों त्यागने पड़े। सुदीप पहली बार आए हो, मैं रहस्य खोल रहा हूं, यहां के लोग तो जानते हैं, तुम उन्हें तालियों से बताना हम पराजित क्यों हो गए, झांसी की रैन का बलिदान किन कारणों से हो गया, वरना वो महारानी बहुत पहले आजादी की संजीरें तोड़ चुकी होती, आजादी का काला सूरज, आजादी के काले बादल रिपुका हर शीश छांट देती, नई लाइन है मेरा मन रखे सब लोग, आजादी के काले बादल रिपुका हर शीश छांट देती, वो रणचंडी दुश्मन का ही सारा ही लहू चाट लेती, गर अपने घर के कुछ गद्दार रानी से गद्दारी ना करते, वो एक सिंघनी ही बढ़कर माँ की जंजीर काट देती, वो एक सिंघनी ही बढ़कर माँ की जंजीर काट देती, वो एक सिंघनी ही बढ़कर माँ की जंजीर काट देती। भाई विनीत भाई दोबारा बढ़ाओ इसे, मैं चाहूंगा ये पंक्तियां दोबारा पढ़िए, वाह 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 वाह। तो फिर फिर इस बार तालियां राजमहलों से टकरानी चाहिए, मैं उम्मीद करता हूं, आजादी के काले बादल, अब मैं दोबारा सप्लीमेंट्री दे रहा हूं, नंबर पूरे ही आने चाहिए, मैंने कहा आपकी तालियां राजमहल से टकरा जाए, विनीत चौहान कविता पढ़ रहा है, आपका काला चिट्ठा खोल रहा है, आजादी के काले बादल
आजादी के काले बादल रिपु का हर शीश छाट देती, वो रणचंडी शत्रु का ही सारा ही लहू चाट लेती। गर करके कुछ लोग यहां रानी से गद्दारी ना करते, वो एक संगनी ही बढ़कर मां की जंजीर काट देती। वो एक संगनी ही बढ़कर मां की जंजीर काट देती। वो एक संगनी ही बढ़कर मां की जंजीर काट देती। हमारा छोटा भाई सुदीप यहां बैठा है, उनके पिता श्री संदीप जी बहुत बड़े कवि हैं। उन्होंने एक लाइन में पाकिस्तान निमटाया था कभी, और एक लाइन इतनी फेमस हुई कि संदीप सपन जी जहां नहीं नहीं भी गए, लोगों ने अपने नाम से वो कविता पढ़ दी। लाइन बड़ी हास्य की भी है लेकिन मजेदार है। जब भी कभी ये बात होती थी क्रिकेट के मैच, वो एक लाइन टरकाते थे, सुन ले बेटा पाकिस्तान, बाप तुम्हारा हिंदुस्तान। एक लाइन में निमटा देते थे। ये उन्हीं के घर का चिराग यहां बैठा है। मैं जब जब ऐसी कविताएं सुनाता हूं तो प्रवीण शुक्ल, डॉक्टर सुरेश अवस्थी यहां बैठे भाई, इन कविताओं को दूर दूर सुना के आकर, अबे मन का रात उदयपुर से आया हूं, कितने ट्रेन टैक्सी बदलता हुआ आया हूं, परसों फिर चेन्नई जा रहा हूं, फिर वहां से अहमदाबाद जाऊंगा, और कितनी दूर। पुरोहित जी धीरे से इसने बात सरकाई, मेरे दम निकल गया, कहला इन कविताओं को तू पाकिस्तान जाके सुना के आ। अब तो आप समझ गए होंगे, ऐसे दोस्त के रहते मेरे को कभी दुश्मनों की जरूरत नहीं पड़ी। ये ऐसा दोस्त है प्रवीण शुक्ल, मेरा बड़ा जघन्य किस्म का दोस्त है। मैंने कहा तू पाकिस्तान को निपटाना चाहता है कि मुझे निपटाना चाहता है? कहले निपटाना तो मैं तुझे ही चाहता था, लेकिन फिर ग्वालियर मेले में मुझे बुलाएगा कौन, तो इस चक्कर में इसने मुझे छोड़ दिया। मैंने पुरोहित जी को फोन किया, मुन्ना पवैया को फोन किया, मगर देख एक संयोजक कम हो जाएगा, प्रवीण शुक्ल निमटवाएगा। मुन्ना ने मेरे को एक इलाज बताया, भाई ने कहला भाई साहब ऐसे सरकाओ। मैंने इसको समझाया, मगर देख पाकिस्तान बहुत दूर है, मगर इस हसरत वालों को पता ही नहीं है पाकिस्तान किस कोने में, ये तो किसी मोहल्ले का नाम समझते हैं, मगर बहुत दूर है पाकिस्तान, किराया लगता है, पासपोर्ट लगता है, वीजा लगता है। कहला किराए की चिंता मत करियो, हरिओम पवार से उधार ले लूंगा, लेकिन एक तरफ का जाने का किराया मैं दूंगा। समझ गए कि बताऊं? मैंने कहा आने का? कहला वो नहीं लगे तेरा, मूर्ति लगेगी तेरी पाकिस्तान के अंदर, आने की चिंता मत कर। लेकिन सच मानिएगा सर, एक कविता की फरमाइश है, उसको मैं कह के आज के अपनी वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि पवार जी तक हमें पहुंचना है। वो दिन जिंदगी में मेरे आया जब मुझे बाघा बॉर्डर पर, जैसा भाई ने जिक्र किया, वो कविता पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कर्नल वीपी सिंह के नेतृत्व में देश के 5 कवि छांटे गए, आपको जानकर खुशी होगी, उसमें से 2 कवि प्रिया कमलेश और विनीत चौहान इस मंच पर हैं, जिन्होंने बाघा बॉर्डर पर जाकर के अपनी कविताएं सुनाई। वो गेट जहां आपने देखा, जहां वो बड़ी ऊंची करके के वो परेड करते हैं, इसने करी थी एक बार पार्थ नवीन ने ऐसी करने की कोशिश, तो पैंट फट गई जो आज तक नहीं सिली इसकी। हमको वहां बैठा दिया गया साहब, सच मानिएगा जब हम कुर्सी पर बैठे तो हमसे कहा कौन सी कविता सुनाओगे? मैंने कहा घायल सैनिक की चिट्ठी सुना दूंगा, वो सबसे फेमस है। सच मानिएगा सर, जैसे ही मैं वहां बैठा, थोड़ी आदन राहुल जी के पिताश्री यहां सामने बैठे, मैं बहुत देर बाद देख पाया उन्हें, उन्हें भी प्रणाम करता हूं। जैसे ही मैं वहां बैठा तो उसके बाद मैंने कहा नहीं विनीत, 31 साल हो गए तुझे इस देश में चिल्लाते हुए आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ। आज वो दिन सामने हो क्योंकि सेना सामने खड़ी है। यदि तूने आज भी वो कविताएं नहीं सुनाई तो कुछ भी हो सकता है, एक वीर रस का कवि तो नहीं हो सकता। सर मैंने कॉन्टैक्ट तोड़ा और जो कविता मैंने वहां सुनाई, बस वो कविता मैं आपको सुना रहा हूं। मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, नमोकार चैनल मुझे रिकॉर्ड कर रहा है, और भी चैनल मुझे रिकॉर्ड कर रहे हैं। यूट्यूब पर एक कविता पड़ी हुई है, न्यूज नेशन के बाघा बॉर्डर 14 अगस्त, टाइप करना विनीत चौहान और मेरी कविता को देखना। मैं एक भी शब्द इधर से उधर बोलूं तो मेरा नाम लेके थूक देना कि तुम यहां क्या पढ़ रहे हो, और जब पाकिस्तान की सेना गन लिए सामने दिखी तो तुम्हारी बोलती बंद कैसे हो गई। बहुत पहले मैंने अंबर जी से सुन लिया था, या बचरन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम, जिस दिन भी हिचकिचाएंगे सच लिखने से हम, कागज को फाड़ देंगे कलम को तोड़ देंगे हम। बस मैं यही से शुरू करता हूं कि आतंकी कैसे घुसाए लाहौरी दरबारों से, लगता है कुछ चूक हुई है। अपन 3 मिनट मेरे साथ रहिए, मैं आग की एक जलती मशाल आपको सौंप कर विदा होना चाहता हूं। कि आतंकी कैसे घुसाए लाहौरी दरबारों से, लगता है कुछ चूक हुई है अपने पहरेदारों से, वरना खून नहीं बहता यूं भारत मां के लालों का, अगर पहले उत्तर दे देते इन सारे भूचालों का। हम मान रहे खामोश रहे, कांटों की पौध लगा बैठे, इस शांत शांत के चक्कर में आधा कश्मीर गवा बैठे। इस शांत, ये पीछे के लोग पाकिस्तान से आए क्या? हम अकेले मोह चिल्ला रहे, फेफड़े बाहर हो गए, पीछे वाले आराम से कह रहे हैं कि हम अकबर बादशाह हैं, तुम अनारकली की तरह डांस करो। देखो हमारे पास कोई ढोला तबला हारमोनियम सारंगी नहीं है, ये 2 तरफा मामला है। आपको ताली बजानी, हमें कविता सुनानी है,
और पवैया जी को बताना है कि इस यज्ञ में हम सब की आहुति है, केवल एक पुरोहित जी नहीं है, सब लोग पुरोहित जी हैं हम आज के यज्ञ के। आतंकी कैसे घुसाए लाहौरी दरबारों से, लगता है कुछ चूक हुई है अपने पहरेदारों से, वरना खून नहीं बहता यू भारत माँ के लालों का, घर पहले उत्तर दे देते इन सारे भूचालों का, हम मौन रहे खामोश रहे कांटों की पौध लगा बैठे, इस शांत शांत के चक्कर में आधा कश्मीर बना बैठे, अगर हम ही इनकी लाशों को। ये वो लाइन आप यूट्यूब पे देखना, जैसे ही मैंने लाइन पढ़ी है कर्नल ने मेरे पीछे दो सैनिक गन लेके लगाए, कहना यार शांति के लिए कवि बुलाए थे, क्रांति के लक्षण शुरू हो गए, जो युद्ध 15 साल बाद होना था वो आज होगा। मैं फिर कह रहा हूं हिम्मत पे दाद देना, मैं कहां पढ़ के आया था, डरे हुए लोग ताली नहीं बजाए, मर्द लोग तालियां बजाएं, अगर हम ही इनकी लाशों को कांधों पर सदा नहीं ढोते, ये लश्कर फश्कर हुजी सब दुनिया में कहीं नहीं होते, ये लश्कर फश्कर हुजी सब दुनिया में कहीं नहीं होते। मत कहो पड़ोसी मुल्कों से आतंकी आंधी मंद करो, ये स्वर हिंदुस्तान की सरकारों का पिछले 70 साल हो गए, गिड़गिड़ा रहे हम, हमारे जहां आतंकवादी न भेजे प्लीज, साले प्लीज और लगा देते हैं पीछे। क्या भाषा होनी चाहिए बुंदेलखंड के बेटो, हल्दी घाटी का बेटा एक भाषा बोल रहा है, काश ये भाषा हिंदुस्तान की हो जाए। मत कहो पड़ोसी मुल्कों से आतंकी आंधी मंद करो, तुम अपने मिनियाते स्वर को शेरों की तरह बुलंद करो, तुम अपने मिनियाते स्वर को शेरों की तरह बुलंद करो, ये हमले पल में रुक सकते थे, आगे बढ़कर हुंकार भरो, इन आतंकी अड्डों पर बस बम्बों की तुम बौछार करो, इन आतंकी अड्डों पर बस। कैसी बौछार, किसकी बौछार सर, हमारे पुलिस का जवान गन लेकर जाता है, जींस के ऊपर कुर्ते डाल के लोग मोमबत्ती आ जाते हैं, मारो मत इन्हें, ये आतंकवादी नहीं है, ये फूफा जी हैं, नाश्ता करने आए पाकिस्तान से, ये मानव अधिकार के कार्यकर्ता किस दिन राष्ट्रवादी राष्ट्रद्रोहियों में अंतर करना सीखेंगे सर। 14 सीनियर आईपीएस ऑफिसर जेल के शिक्षों में दम तोड़ रहे हैं इस समय, जिस समय विनीत चौहान कविता पढ़ रहा है। मैंने पूछा इन्हें जेल में क्यों डाला आपने, ये एसपी थे हमारे जिलों के, बड़ा बेहुदा उत्तर मिला राजनीति से, क्या लगे इन लोगों ने एनकाउंटर में कुछ टेररिस्टों को गोली मारी थी। मैंने कहा हलवा खिलाते, जिनके कंधों के स्टार बढ़ने चाहिए थे उन्हें हमने जेलों में सड़ा दिया, और जिनका 65 रुपए की गोली खर्च करनी थी उन्हें बिरयानी मुर्गे परोसे इस मुल्क ने। मैंने फिर कहा मुझे प्रशंसा की नहीं बगावत की तालियां चाहिए। रात्रि के 2:30 बजे मैं बगावत का सबसे बड़ी लाइन बोलने जा रहा हूं, अच्छा लगे मुझे हूट करें, बुरा लगे तो भी हूट करें या तालियां बजाएं, मैं जानना चाहता हूं। रात्रि के 2:30 बजे 300 बुद्धिजीवी साइन करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खड़खड़ाते हैं, खोलिए दरवाजा, याकूब मेहमान को फांसी मत दो, इस आतंकवादी को, उसके बच्चे छोटे हैं। मैं निकम्मों से पूछना चाहता हूं क्या वो कर्नल राय की 9 साल की बेटी छोटी नहीं थी जो अपने पिता की चिता को सैल्यूट करके अग्नि दे रही थी, तुम्हें शर्म नहीं आती? बहुत अच्छे, वाह, किसके समर्थन में खड़े हो तुम, तुम्हें शहीदों के बच्चे बच्चे नहीं लगते? हमने वर्दी के पैरों में सख्त भेड़ियां डाली हैं और भेड़ियों को दिल्ली ने खुली छूट दे डाली है, सब मानव अधिकार कातिलों के हित में तन जाते हैं, इसीलिए तो रोज भेड़िए छाती पर तन जाते हैं। जिस दिन गोली का उत्तर, गोली की तरह तालियां उठे, मैं अगली लाइन बोल रहा हूं, जिस दिन गोली का उत्तर हम गोली से दे पाएंगे उस दिन आतंकी क्या इनके बाप ठीक हो जाएंगे, उस दिन आतंकी क्या इनके बात ठीक हो जाएंगे। हमने आतंकी पाले, जेलों में परसी बिरयानी, हर सैनिक की विधवा रोई, आंखों में आया पानी, 20 खून करके भी वो सब क्षमादान पा जाते हैं और शहीदों की कुर्बानी पर मातम छा जाते हैं। उठो नया कानून मांग लो संसद की दीवारों से। मैं कसम देता हूं मैंने अब तक आपसे निवेदन किया ताली बजाना, अब मैं कोई भीख नहीं मांग रहा आपसे, केवल जो मेरे इस कानून से सहमत हो वो ताली बजाए। मैं इंग्लैंड गया था जैसा भाई ने कहा, मैंने स्कॉटलैंड में, नॉटिंगम में, बर्गिंगम में, लंदन में एक ही बात बोली है, पूरी दुनिया में इस कानून को गाने वाला विनीत चौहान अकेला भी बचा तो मैं अकेला गाऊंगा। और इस बलिदानी मिट्टी पर जहां रानी का लहू बह गया था, तुम्हें शपथ है उस लहू की, या तो ताली बजाना मत या इतनी तालियां बजाना अपने सैनिकों की बंदूकों की नालों की बर्फ पिघल के हाथों में आ जाए। मैं कहना चाहता हूं उठो नया कानून मांग लो, मंच से विदा चाहता हूं, आपसे भी विदा चाहता हूं, सर्वाधिक तालियां इस मंच की उठे मैं उम्मीद करता हूं। उठो नया कानून मांग लो संसद की दीवारों से, हत्यारों को क्षमादान अब नहीं मिले दरबारों से, इनको सीधा फांसी टांके, वीर शहीदों की माएं या सीने पर गोली मारे बस सैनिक की विधवाएं, उठो नया कानून मांग लो। बहुत धन्यवाद।